साल लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें से 151 हवाई यात्रा से जाएंगे और बाकी रेल यात्रा से। तो उसकी रैंडमली एक लॉटरी ऑनलाइन प्रक्रिया DYT के माध्यम से करेंगे। 11:30 बजे वो लॉटरी निकाली। कितने लोगों को इसमें चिन्हित किया? मुख्यमंत्री बजट घोषणा में की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2022-23 है, उसमें पूरे राजस्थान में 40,000 लाभान्वित रहे हैं, घोषित किए गए हैं। उसमें से अजमेर में 1,507 लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें से 151 हवाई यात्रा से जाएंगे और बाकी रेल यात्रा से। तो उसकी रैंडमली एक लॉटरी ऑनलाइन प्रक्रिया DYT के माध्यम से करेंगे। 11:30 बजे वो लॉटरी निकालेंगे और 3 डेमो करने के पश्चात फाइनल लिस्ट में ऑनलाइन थ्रू SSOID सभी वरिष्ठ तीर्थ नागरिक जो 1,507 रहेंगे जो अजमेर जिले से, उनकी लिस्ट निकाली। मैम अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा और कब ये जाने की डेट है और कहाँ जाएंगे? आगे की प्रोसेस देवस्थान विभाग ही देखेगा और उसमें इन सबको मेडिकल चेकअप ऑलरेडी हो चुका है, परंतु वापस से मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा और इनसे इनकी सहमति भी ली जाएगी। वेटिंग लिस्ट भी इसमें अलग से रैंडमली निकाली गई है, यदि कोई नहीं होता है, अक्षम होता है आने में, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। और अभी ये इसी साल विभिन्न अलग अलग मंथ्स में ये लोग यात्रा में जाएंगे और हवाई यात्रा से नेपाल के लिए। पशुपति, थैंक यू।